हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में बहुत से ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने खूब काम किया, लेकिन वक्त के साथ भीड़ में कहीं गुम हो गए। वो कहां गए और उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता, या किसी ने जानना भी नहीं चाहा। उन्हीं कलाकारों में से एक रहीं अदाकारा चंदाबाई। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी अदाकारा है। दोस्तों, एक्ट्रेस चंदाबाई ने सिनेमा के शुरुआती दौर में अपने अभिनय की पारी शुरू की थी। उनकी पहली फिल्म माधुरी थी, जो कि 1932 में रिलीज हुई थी। हमारी फिल्मों को आवाज मिलने के ठीक एक साल बाद उन्होंने पहले पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। मेरा भी ध्यान उन पर तब गया जब मैं पाकीजा फिल्म देख रहा था और फिल्म के एक सीन में उन्हें दिखाया जाता है, तो मैंने सोचा भला ये कौन सी अभिनेत्री है। तो इनके बारे में जरा खोजबीन की तो पता चला इस अभिनेत्री का नाम चंदाबाई है। इनके बारे में और रिसर्च किया तो ज्यादा कुछ खास पता नहीं चल पाया, जैसे कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, इनके घर में और कौन कौन था, फिल्मी दुनिया से अलग होने के बाद इनका क्या हुआ। खैर, इनके बारे में ज्यादा कुछ खास पता नहीं चलता है, बस इतना ही पता चला कि इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया। तो आज इस वीडियो के जरिए इनको खिराज अकीदत पेश करेंगे। जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एक्ट्रेस चंदाबाई की पहली फिल्म माधुरी थी, जो कि 1932 में रिलीज हुई थी, और उनकी आखिरी फिल्म पाकीजा थी। इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा सा था। 1932 में ही इनकी एक और फिल्म आंख का तारा रिलीज हुई थी। उन्होंने 1933 में फिल्म सुलोचना, 1934 में दो फिल्में नागिन और गुलसनोबर, 1935 में दो फिल्में वामक, अजरा और अनारकली, 1942 में आंख मिचोली और 1943 में आबरू, आदाबर्ज और संजोग। 1944 में इन्होंने पांच फिल्में की। वो फिल्में कुछ यूं हैं: गली, गीत, पहले आप, रतन, सुनो सुनाता हूँ। 1945 में तीन फिल्में: धन्ना भगत, नसीब और परिंदे। 1946 में दो फिल्में: दासी और शमा। 1947 में तीन फिल्में: महासती तुलसी वृंदा, रेणुका दीवानी। 1948 में अंजुमन, मेला और नई रात। 1949 में बसेरा, दिल लगी, जनपत्री और पारस। 1950 में आरजू, सरगम और मीना बाजार। 1951 में दो फिल्में दशावतार और बड़ी बहू। 1952 में तमाशा और रंगीली। 1953 में आस, 40 बाबा और एक चोर, जलियावाला बाग की ज्योति। 1954 में गवैया, हनुमान जन, मन, महात्मा कबीर। 1955 में इन्होंने छह फिल्मों में काम किया: शाह बेहरम, अंधेर नगरी, चौपट राज, एकादशी, हा हा हे हे हो हो। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये एक कॉमेडी फिल्म थी। उसके अलावा सौ का नोट, श्री गणेश विवाह। 1957 में इनकी पांच फिल्में रिलीज हुई: आशा, देख कबीरा रोया, जानी दुश्मन, जॉनी वॉकर, माया नगरी। 1958 में इन्होंने चार फिल्में की: मिस्टर कार्टून, एम ए सहारा, सोने की चिड़िया, टैक्सी नंबर 555। और 1959 में इनकी चार फिल्में आईं: ब्लैक, ब्लैकमेलर, गूंज उठी शहनाई, नई राहें, प्यार की राहें। और 1960 में इन्होंने पांच फिल्में की: बॉम्बे की बिल्ली, बाजे घुंघरू, अनपढ़, जिंदगी और हम। 1963 में बचपन और 1966 में दो फिल्में, कमारी और अजनबी। 1968 में फिल्म जवारी और 1972 में इनकी आखिरी फिल्म पाकीजा रिलीज हुई। इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी इनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है कि इनकी मौत कब हुई, इनके घर में कौन कौन था, इसका कोई भी सुराग कहीं से नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।